अरे भाई हम लोग इसमें जाएंगे और हम दिखा रहे हैं हम लोग जाकर इसमें रहेंगे। ओह इट्स वेरी स्टाइलिश। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज एक दूसरा दिन है और बहुत अच्छा बीता कल का दिन। तो अभी सोच रहे हैं हम लोग नहा धोवा लें और आज का काम है, मुझे कल का टिकट कटाना है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे थे लावित नागी रेलवे स्टेशन। अभी पता चला हमें कि वन वे है, जाने के लिए अलग रास्ता है, आने के लिए अलग रास्ता है। और यहाँ देख रहे हैं तो बर्फ़ से ऐसा धूप मतलब निकल रहा है। हम लोग इंडिया में बारिश होता है उसके कैसे होता है, गर्म भाप निकलता है, लेकिन यहाँ गर्म भाप नहीं निकल रहा है, उल्टा ठंडा वाला भाप निकल रहा है। बर्फ से एकदम बुरा हाल है। पहले बर्फ़ को पूरा तोड़े इधर से साइड से, उसके बाद एक रोलर चला दिए, फिर जो ऊपर से बचा उसको जो मिट्टी घसाने वाला था इंडिया में ना, तो उसी से घसका थी, पूरा रास्ता टाइट हो गया। इसी रास्ता से जाते हैं, ये लोग का वन वे रास्ता है, टू वे नहीं है, एक ही रास्ता है, से आना है दूसरा से। और दोस्तों ये इतना डीप है, इसमें बड़ा बड़ा सीप चलता है, जहाज चलता है, लगभग 50-60 मीटर का मतलब इतना गड्ढा है। भाई मैंने उसका घर में ये जेम्स बॉन्ड की तरह घर है, ये पूरा चीज फोल्ड हो जाता है। देखो ये गेट इतना खुलेगा तभी जाके अंदर में ये गाड़ी घुसेगा, तब जाके हम लोग ये घर में घुस। घर के अंदर आ गए यार। इनका दिस ऑटोमेटिक क्लोज, हाँ ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, जैसे गाड़ी अंदर आ जाएगा। ये है मस्त है, वेरी गुड। तो दोस्तों हम ये बताते कल क्या हुआ। कल जो मेरा कपड़ा था सब देखे वो, तो भाई कपड़ा में तुम यहाँ सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो आज इन्होंने हमको अपना कपड़ा दिया है, ये वाला, ये देखो आपको दिखाते हैं बाहर निकल के, थोड़ा अच्छा दिखेगा। पता नहीं यहाँ लाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इस कपड़ा में तो भाई ठंडा ही नहीं लगेगा, देख रहा। अपने आप पे यहाँ दिखाते हैं, हम देख रहे हैं कितना ये है। हाँ तो ये कपड़ा में हम इजीली हम सर्वाइव कर लेंगे, इसलिए इतना मोटा है ना। और इसका दोनों साइड से हाथ जहाँ निकालते हैं, जहाँ पैर, वहाँ पर एकदम रस्सी बांधने के लिए कि हवा अंदर एक भी घुस ना पाए। तो मस्त कपड़ा है, थैंक यू, थैंक यू बहुत। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं करते, हम तो गाड़ी में जाके बैठ गए थे, तो बोले नो व्हीकल्स नो मशीना। हम बोले क्या हो गया, तो निकले तो बोले भाई हम लोग इसमें जाएंगे और हम दिखा रहे हैं हम लोग जाकर इसमें रहें। ये रहा इनका स्नो मूवी। ओह इट्स वेरी स्टाइलिश। भाई इस गाड़ी में हम लोग जाएंगे बोल रहे हैं, बाइक की कार के लिए अच्छा नहीं होता है, हम लोग इसमें जाएंगे। तैयार हो गए, देखो पूरा हेलमेट में पहन के रेडी हो गए हैं। काफ़ी दूर आने के बाद ना हम लोग का गाड़ी यहाँ पर फंस गया, और पता यहाँ पर बर्फ़ इतना तक था, हम निकले थे तो पूरा घुस गए थे। ये जो बर्फ़ है ना ये पूरा घुटना तक है, हम लोग का गाड़ी पूरा घुस गया था। तो देखो अभी हम लोग सांस कर रहे हैं, बहुत हमें तो लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट मतलब मज़ा आने वाला, लेकिन बहुत डिफिकल्ट। तो हम इनका हेल्प करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग देखो ये सोनो मोबाइल से आ गए हैं यहाँ पे। ये देखिए तो आपको कल मौसम में दिखाया था, यही सब लोग के पास रहता है। और ये 2 मिनट का देखिए यहाँ से देखिए धुआं निकल रहा है। मेरा GoPro का इन लोग का ये कुत्ता है, ये चून है और ये सोनो मोबाइल है। ये लोग लकड़ी जंगल से जो पेड़ है वो सबसे काट के लाते हैं। और भाई यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा। ये हम लोग सोनो मोबाइल था, ये देखिए कल आपको दिखाए थे। इस सब से ये लोग सामान लेके आते हैं। और ये हाँ में बहुत ज़्यादा ठंड, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग है। पता नहीं मेरा कैमरा कितना देर चलेगा, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरा कपड़ा तो सही है मेरा, लेकिन पता नहीं कितना देर चलेगा। तो इन लोग पास कुत्ता रहता है। और जो कल हमने रेड डियर आपको दिखाया था ना, वो सारे जंगल में रहते हैं। इन लोग घर के पास नहीं रहता। और इन लोग के पास बोले हैं कि चलो अंदर चलो, तो देखते हैं अंदर में क्या है। यहाँ पर ये अंदर में इतना ज़्यादा ठंड था ना कि पूछो। तो एक कल तो आपको दिखाया था, जैसे इसमें ये लोग पानी गर्म करके खाता है, ये खाना है। और अंदर में तो अभी गर्म है, अभी दिन भर ये लोग खाना। अच्छा लगा इन लोग से मिल के, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब जीवन एक सफल ही हो गया, मज़ा आ गया। ये लोग रेंडियर का मीट खाते हैं और गर्म पानी पीते हैं, सूप पीते हैं, वैसा दाल चावल कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी ये चूम के अंदर हैं। और ये जो कल दिखाए थे, जैसे देखिए यहाँ पर ये लोग ये गर्म है, थोड़ा सा गर्म है। ये रूम के अंदर भी थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। इसमें ये लोग बाहर से बर्फ़ लाते हैं और इसमें डाल देते हैं, तो ये पानी पिघल जाता है, फिर ये गर्म पानी पीते हैं। ये लोग कच्चा हिरण का मांस खाते हैं। और जब भी खाना खाते हैं, सुबह शाम 2 बार खाते हैं। उससे पहले प्रे करते हैं भगवान को। खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दिखाएंगे आपको ये लोग क्या क्या खाते हैं। ये देखिए ये लोग ऐसे ब्रेड खाते हैं, चियर है, रेंडियर का मीट खाते हैं। और ये जैसे कल तो दिखाई दिए थे आपको म्यूज़ियम में, तब पर भी एक बार दिखा देते। ये लोग पास ये कपड़ा सिलने के लिए मशीन भी है, ये है, ये है। और इनका ये चूम। मेरा तो पूरा इच्छा पूरा हो गया। मिनिया जाऊ अक्षय ताशा, इनका नाम ताशा है। उनको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो सोच रहे हैं कितना वीडियो बनाए लोग घर के अंदर, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने देख लिया। और बाकी जो भी है हम यूट्यूब से आपको दिखा देंगे लोग कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं। तो अब जाने का टाइम हो गया, काफ़ी समय हो गया है बेकार का। ये लोग ऐसे बैठे हैं, ये लोग के लिए तो हम एलियन जैसे, हमको देख रहे हैं ऐसे ही, हमको अच्छा लग नहीं रहा है। ये दोस्तों कुत्ता है। तो जाने का समय हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। ये तो पूरा सा मेरे हाथ से भी ग्लव्स निकला था, मरने वाला, लेकिन अब ये वीडियो बंद करने वाला। स्पसिबा बोल सर। और ये देखो यहाँ पर चारों तरफ रेंडियर ही रेंडियर है, सब तरफ ये रेंडियर ही रेंडियर है। और मेरा GoPro कभी भी बंद हो सकता है। -30 के आसपास का टेम्परेचर है। हमने ये गर्म कपड़ा पहन रखा है, बोल के कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हो एक तो मेरा पूरा सपना पूरा हो गया रसिया आने का, क्या था, बहुत मज़ा आ रहा है। और देखिए वो वहाँ गड्ढा से लोग ऐसे पानी पीते हैं। तो जो आपका ड्रीम होता है वो जब पूरा हो जाता है ना तो आपको पता नहीं चलता हम क्या करें क्या नहीं। तो हमको बहुत अच्छा लगा सच में, हम ये सोचे थे कि हम यहाँ आएंगे रेंडियर से मिलेंगे, इतना मज़ा आ रहा है कि बता नहीं सकते हैं। वो खुशी, वो ठंडा इतना है कि वो आदमी चिल्ला ही नहीं सकता है, लेकिन हमको बहुत मज़ा आ रहा है। ये देख बहुत मजा आया। आज का दिन 10 मार्च 2022 मेरा दुनिया का सबसे अच्छा दिन हुआ। किस लिए? आज हम एक तो सोनो मोबाइल से गए हैं, नेनेट्स लोग के घर मिले, नेनेट लोग से मिले, नेनेट लोग के घर में घुसे, आपको दिखाएं। उसके बाद मतलब जब हम रेंडियर्स मिले इतना मज़ा आया ना पता नहीं, लेकिन इतना ठंड था कि एक बैटरी तो मेरा नेनेट्स के घर पहुँचने से पहले ही वो ख़त्म हो गया था, एक ही बैटरी था, तो हम बहुत कम वीडियो बना रहे थे इस वजह से। तो कहानी बताते हैं क्या हुआ। सबसे पहले जब जा रहे थे, आप पहले वाला जो वीडियो देखे हम लोग गाड़ी फंस गया, तो वहाँ इतना बर्फ ऐसे करके घुस के पूरा घुस गया, हम निकल ही नहीं पा रहे थे, इतना दिक्कत हो रहा था। तो ऐसे करके निकले, गाड़ी को तब खींच के निकाले, फिर गए। और मेरा होस्ट सर जी भाई, उसको जहाँ रास्ता मिला पूरा एक्सीलेटर सटा दिया और हम ऐसा पकड़े और वो कटिंग मारा और हम और पूरा सटा दे रहा है। कभी कभी मूवी से बाइक ऐसे उछालता है, वो ऐसा करके पूरा उछाल दे रहा है, हम ऐसा जोर से पकड़े, इतना स्पीड वो गाड़ी चला रहे थे ना यार, लेकिन बहुत मजा आया। उसके बाद आते आते एक जगह फिर से हम लोग का गाड़ी एकदम ऐसा करके पलटी खा लिया, ऐसा हम पूरा गिर गए, ये सब इतना तक घुस गया इतना। फिर ऐसे रेंग के निकाले, फिर गाड़ी को धक्का मार के निकाले। और एक बार तो वीडियो बनाने चक्कर मेरा मोबाइल ऐसे करके धोख से पूरा बर्फ में इतना घुस गया, ऐसे करके निकाले। अब देख रहे हैं ढंग से उसमें वीडियो भी नहीं हो रहा है। और मेरा गोप्रो तो 2 बार गिर गया। इतना मजा आ रहा था दोस्तों कि हम सोचे फट से घर में जाएं, थोड़ा सा चार्ज किया और सोचे वीडियो बना लेते हैं। इतना आज मजा आया कसम से बता नहीं सकते हैं। आज मेरा दुनिया का सबसे अच्छा दिन था, बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया। अपने होस्ट को हम थैंक यू एक बार बोलने जाएंगे। कहाँ गए हम? सर जी थैंक यू स्पष्ट दिल से। और जब लोग बहुत मजा किया ना, बहुत 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 मजा आया, बहुत ज़्यादा, इतना मजा आया ना पूछो मत यार। एक तो सोनो मोबाइल में गए, एक तो पहली बार, इतना मजा आया कि बता नहीं सकते हैं।